तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए WWE NXT के शो के बारे में। जी हां, जहां पे कई सारी अच्छी चीजें हमें देखने को मिली, एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, तो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये शो स्टार्ट होता है ट्रिपल थ्रेट मैच से, जो कि नंबर वन कंटेंडर के लिए था फॉर द NXT चैंपियनशिप, पीट डन, काइल ओ रायली एंड जॉनी गार्गानो के बीच में। और बहुत ही कमाल का मैच हमें इन तीनों के बीच में देखने को मिला। और मैं सच बता रहा हूं कि मुझे पता नहीं था कि कौन यहाँ पे जीत सकता है या किसके ज्यादा चांस है, क्योंकि तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में जो रेसलिंग वाइज मैं कहना चाहता हूँ, इतना कमाल का मैच देखने को मिला कि स्टार्टिंग ही शो की बहुत ज्यादा बढ़िया हुई, मतलब मजा आ रहा था इस मैच को देख के। और कमर्शियल के बीच में से भी जाके ये मैच वापस आया, लेकिन तब भी इसको देख के मजा आ रहा था। काइल ओ'रायली, जॉनी गार्गानो, पीट डन, तीनों कमाल की यहाँ पे रेसलिंग कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे रिजल्ट के लिए मैं इंतजार कर रहा था, वो मुझे देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि एडम कोल अपना रिटर्न करते हैं और एक स्टील चेयर लेके पहले काइल ओ'रायली को अटैक करते हैं, पीट डन को अटैक करते हैं और रिंग में जाके जॉनी गार्गानो को एक लास्ट शॉट भी लगा देते हैं। तो जबकि ट्रिपल थ्रेट मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होती, वो तीनों ही बंदों को अटैक कर देते हैं और ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हो जाता है। विलियम रीगल बाहर आते हैं एक सिक्योरिटी के साथ और यहां से वो एस्कॉर्ट कर देते हैं एडम कोल को कि तुम निकलो और तुमने ये जो चीज करी है वो बिल्कुल सही नहीं है। और एडम कोल को ऐसा लग रहा था कि काफी मजा आ रहा है इस चीज में। तो शो की स्टार्ट काफी अच्छे तरीके से हुई, पहले तो ये बढ़िया मैच देखने को मिला और जबकि कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन एडम कोल का रिटर्न अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे हुआ, जो कि मुझे काफी पसंद आया। और जैसे ही एडम कोल बैक से जाते हैं, रिंग में आ जाती हैं एम्बर मून और वो यहाँ पे कॉल आउट करती हैं राकल गंजालेस को, क्योंकि लास्ट वीक हम जानते हैं कि उन्होंने शॉर्टजी को बुरे तरीके से अटैक करा था, तो उस चीज का बदला यहाँ पे एम्बर मून को चाहिए। तो राकल गंजालेस आती हैं गाइस यहाँ पे रिंग के अंदर और इनके बीच में एक बार फिर से ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, लड़ रहे होते हैं। सिक्योरिटी आती है, वो राकल को लेके जाते हैं रैंप के ऊपर, इनको सेपरेट आउट करते हैं, लेकिन पीछे से आउट ऑफ नोवेयर डकोटा काय आती हैं और अटैक कर देती हैं यहाँ पे एम्बर मून को। और विलियम रीगल का ध्यान सारा रकेल की तरफ था, तो उनको पता नहीं लगा कि पीछे से आके डकोटा ने भी अटैक कर दिया। तो एम्बर मून इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड लेटर इन द शो उन्होंने एक प्रोमो कट करा, जहां पे वो कहते हैं कि देखो भाई, मेरा मेन टारगेट अब NXT चैंपियनशिप है और उसका ध्यान मैं टेक ओवर पे रखूंगी, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते मेरे को डकोटा काय से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रकेल के अगेंस्ट कोई जाता है तो डकोटा बीच में अपनी टांग अड़ाती है और उस चीज का ध्यान मुझे पहले रखना है। तो ये चीज गाइस आई थिंक ऑफिशियल कर दी जाएगी कि अगले हफ्ते एम्बर मून अगेंस्ट डकोटा काय और उसके बाद उनका मैच भी हो सकता है टेक ओवर में फॉर द NXT चैंपियनशिप अगेंस्ट राकेल गोंजालेस। इसके बाद जेक एटलस का मैच होता है LA नाइट के साथ और रिंग साइड पे होते हैं द मिलियन डॉलर मैन टेड डीबियासी, जो कि हमें दिखाया जा रहा है कि यहां पे मैनेजर है LA नाइट के। इनका मैच चल रहा होता है और कैमरन ग्राइम्स भी रिंग साइड पे आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं टेड डीबियासी से, और इस सब के चलते थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं LA नाइट और जेक एटलस इसका फायदा उठा के अपनी कार्ट व्हील DDT लगाते हैं और हरा देते हैं LA नाइट को। तो टेड डीबियासी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि भाई, मैंने एक तो इस पर भरोसा करा और अपना पहला ही मेजर मैच जो है यहाँ पे हार गया आज NXT में। तो कैमरन ग्राइम्स के साथ डीबियासी चले जाते हैं बैकस्टेज और एक बैकस्टेज इंटरव्यू में टेड डीबियासी कहते हैं कि देखो भाई, LA नाइट ने जो है आज अपने हाथ ऊपर कर दिए, उसके बस की नहीं है, लेकिन कैमरन ग्राइम्स के पास दिमाग जरूर है, जो कि अगर हम फिजिकैलिटी के साथ मिला दें तो एक काफी बढ़िया चीज बन सकती है, लेकिन मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए देख रहा हूं। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मैं किसी एक को अब मैनेज करूंगा, उनको शायद LA नाइट की फिजिक पसंद आ रही है और कैमरन ग्राइम्स का दिमाग पसंद आ रहा है, लेकिन उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि दोनों चीजें कर सके। और गाइस अभी ये जो है ऑफिशियल कर दिया गया है कि कैमरन ग्राइम्स का मैच LA नाइट के साथ होगा NXT टेक ओवर में। और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या जिसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं मिलियन डॉलर मैन, क्या वो उनके खुद के बेटे जूनियर टेड डीबियासी तो नहीं है। तो ये चीज अगर होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन सकती है और इसका हम इंतजार करेंगे। बैक स्टेज यहाँ पे ओनी लोरकन होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भाई, अगर आज एडम कोल इंटरफेयर ना करते तो पीट डन इजिली जीत जाते। ऑस्टिन थ्योरी आके कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो जॉनी जीत जाते और इनके बीच में एक ब्रॉल होती है, मुझे लग रहा था मैच में कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ आज के शो पे ऐसा हुआ नहीं है। इसके बाद जबकि हमें दिखाया जाता है कि एडम कोल बिल्डिंग से बाहर चले गए, वो वापस आते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं गाइस सीधा यहां पे कैरियन क्रॉस के ऊपर और वो कहते हैं कि देखो भाई, सबको ऐसा लगता है कि कैरियन क्रॉस किसी टाइप का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, बट मैं उसकी तुम्हें सच्चाई बताता हूं कि वो एक ओवर रेटेड मसल हेड है, यानी कि उसकी फिजिक को देख के लोग उसको ज्यादा ही कुछ रेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। तो यहां पे कैरियन क्रॉस और स्कारलेट आते हैं बाहर और सीधा कैरियन क्रॉस कन्फ्रंट करते हैं एडम कोल को और वो कहते हैं देखो भाई, जिस दिन मैंने NXT के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उस दिन एडम कोल फिर स्पेशल नहीं रहा था और ये बात एडम कोल भी खुद जानता है। और कोल कहते हैं यहाँ पे कि देखो भाई, कैरियन NXT ने हर वो चीज करी है तुम्हें स्पेशल दिखाने के लिए, तुम्हें एक एंट्रेंस दी है, तुम्हें वो लुक दी है और तुम्हें लड़की भी दी है, और तुम जानते हो कि मुझे उन्होंने स्पेशल दिखाने के लिए क्या करा है, सिर्फ वो एक रिंग बेल बजा
आते हैं और उसके बाद यानी कि सारा काम मैं करके दिखाता हूँ इनसाइड द रिंग। एडम कोल कहते हैं कि तुम्हारे बेस्ट दिन पे भी कैरियन क्रॉस तुम मेरे जूते के लेसेस नहीं बांध सकते हो, और जो भी कोई प्रो रेसलिंग देखता है ये बात वो जानता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि देखो भाई तुम बस मेरी एक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हो और एक्चुअली में जो बंदा इस कंपनी के अंदर स्पेशल है वो हूं मैं। और कैरियन क्रॉस को यहाँ पे बहुत ज्यादा खुंदक आ रही थी, उनके एक्सप्रेशन इतने कमाल के थे कि बिल्कुल रियलिस्टिक प्रोमो यहाँ पे लग रहा था। तो विलियम रीगल यहाँ पे बाहर आते हैं और कहते हैं एडम मुझे पता है तुम एक एनएक्सटी टाइटल शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और कैरियन क्रॉस विलियम रीगल को कहते हैं टू शट अप और वो कहते हैं मुझे सारे बंदे चाहिए एट एनएक्सटी टेकओवर, यानी कि जॉनी गार्गानो, पीट डन, काइल ओराइली एंड एडम कोल एट एनएक्सटी टेकओवर और मैं सबको हराऊंगा। और कैरियन क्रॉस कहते हैं कि देखो एडम ये जो तुमने बातें बोली हैं ये सब ठीक है लेकिन अब तुम अपनी एस किकिंग से बच नहीं सकते हो एट एनएक्सटी टेकओवर। और विलियम रीगल को एकदम से खुशी हो जाती है कि ये चीज कैरियन क्रॉस ने प्रपोज करी और वो कहते हैं डन। और ये फेटल फाइव वे मैच ऑफिशियल कर दिया गया गाइस फॉर एनएक्सटी टेकओवर इन योर हाउस। और एक कमाल का प्रोमो इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। तो एडम कोल का रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हुआ है, वो सबके अगेंस्ट एक साथ जा रहे हैं और कैरियन क्रॉस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली एनएक्सटी कैरियन क्रॉस को भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाएगी। तो सारी चीजें बिल्कुल मस्त हैं और मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया हूं कि टेक ओवर के अंदर ये फेटल फाइव वे में मैच देखने को मिलेगा जो कि प्रोबेबली गाइस मैच ऑफ द ईयर का कैंडिडेट बन सकता है मेरे हिसाब से, और ये मेरी प्रेडिक्शन रहेगी। इसके बाद क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज मैच होता है कुशीडा का अगेंस्ट कार्मेलो हेस, और यहां पे गाइस कुछ खास नहीं था, कुशीडा जीत जाते हैं अपना सबमिशन मूव लगा के। इसके बाद एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस यानी कि कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल का मैच होता है ज़ायडा रेमियर और ज़ोई स्टार्क के साथ, और यहां पे एक बार फिर से मैच जो था हमें ठीक ठाक तो देखने को मिला लेकिन वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस यानी कि द वे की यहां पे विक्ट्री हो गई, तो ये भी एक नॉर्मल मैच था। इसके बाद मर्सिडीज मार्टिनेज का प्रोमो और वो कहती हैं यहां पे कि देखो भाई ज़ाया ली जो है ना वो मेरे रास्ते में खड़ी हुई है और अगर मैं एक बार उनको साइड कर दूं तो फिर मैं एनएक्सटी चैंपियनशिप पे एक बार फिर से फोकस कर सकती हूं, और यहां पे वो कहती हैं कि मैं ज़ाया ली को चैलेंज करूंगी। तो गाइस एनएक्सटी टेकओवर में लगता है इन दोनों के बीच में मैच होगा और उसके बाद फ्यूचर में शायद एक और मौका मर्सिडीज मार्टिनेज को मिल सकता है फॉर द एनएक्सटी चैंपियनशिप। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में फॉर द एनएक्सटी टैग टीम टाइटल्स एमएसके अपने टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट लेगाडो डेल फैंटास्मा, और एक बार फिर से भाई जबरदस्त ये मेन इवेंट मैच हमें देखने को मिला। ओपनर मैच कमाल, मेन इवेंट मैच कमाल, बीच में कमाल का प्रोमो, एनएक्सटी वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब टैग टीम मैचेस इस क्वालिटी के एनएक्सटी दे सकती है तो मेन रोस्टर पे भले क्या हो जाता है। तो ये बिल्कुल मस्त मैच हमें देखने को मिला गाइस, और ऐसा लगता है रिंग साइड पे सैंटोस एस्कोबार मदद करने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रॉन्सन रीड आके उनको यहां पे अटैक कर देते हैं और एमएसके ने अपने टाइटल्स को यहां पे सक्सेसफुली रिटेन भी कर लिया है। तो एक बार फिर से यहां पे जो है लेगाडो डेल फैंटास्मा फेल हो गई अपने चेज में, और यहां पे अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आखिर क्या सीन बनता है क्योंकि अभी आई डोंट थिंक कि इनकी फ्यूड इस पॉइंट पे खत्म हुई है। तो गाइस ये था एनएक्सटी का शो आज का, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपना ओपिनियन मुझे बताएं इस एनएक्सटी चैंपियनशिप के अराउंड जो भी चीज हुई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि फिन बैलर आज के शो पे कहीं पर भी नहीं थे, तो क्या बैलर अब मेन रोस्टर पे फाइनली जाने वाले हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।